हेलो गाइस, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे हेलीकॉप्टर मनी के बारे में और आप जानेंगे आखिर ये हेलीकॉप्टर मनी चर्चा में क्यों है और इसके फायदे या नुकसान क्या है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो हम बात करते हैं कि आखिर ये हेलीकॉप्टर मनी चर्चा में क्यों है। दोस्तों, तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव का कहना है कि आरबीआई को हेलीकॉप्टर मनी लाने की ज़रूरत है, इससे हम फाइनेंशियल क्राइसिस से बाहर निकल सकते हैं। ये किसका कहना है? के चंद्रशेखर राव, जो कि मुख्यमंत्री है तेलंगाना के, इसीलिए यह चर्चा में आया है। अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि आखिर हेलीकॉप्टर मनी है क्या। तो हेलीकॉप्टर मनी इज द टर्म यूज्ड फॉर अ लार्ज सम ऑफ न्यू मनी दैट इज प्रिंटेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द पब्लिक टू स्टिमुलेट द इकोनॉमी ड्यूरिंग अ रिसेशन। रिसेशन का मतलब क्या होता है? मंदी। यानी कि हेलीकॉप्टर मनी एक ऐसा तरीका है जिसमें लोगों के पास क्या होंगे, पैसे पहुंचेंगे। मतलब इसके लिए सेंट्रल बैंक नए नोट छापेगी और इन पैसों को लोगों में बांट देगी। ये तरीका हेलीकॉप्टर मनी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि COVID-19 के कारण पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। इसी को देखते हुए इन दिनों हेलीकॉप्टर मनी जो है वो चर्चा में है। हेलीकॉप्टर मनी को लाने से इकोनॉमी ट्रैक पर आ सकती है। हमारे यहाँ की जो सेंट्रल बैंक है, यानी कि हमारे यहाँ की सेंट्रल बैंक कौन सी है? आरबीआई जो हमारे यहाँ की सेंट्रल बैंक है, वो क्या करेगी? वो पैसे को छापेगी और उसे लोगों में बांट देगी। इस पर ना ही कोई इंटरेस्ट रेट लगता है और ना ही ये पैसे वापस करने हैं। मतलब कि बैंक ये पैसे आपको इसलिए दे रही है ताकि आप इसे खर्च कर सको। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर हेलीकॉप्टर मनी की हमें ज़रूरत क्या है, हेलीकॉप्टर मनी क्यों लाना चाहिए। देखिए, अगर लोगों के हाथ में पैसे आएंगे, मान लीजिए कि गवर्नमेंट या फिर जो बैंक है वो आपको पैसे दे रही है, तो इससे क्या होगा? आप पैसे को लेकर दुकानदार के पास जाएंगे और उसको खर्च करेंगे। यानी कि अगर आपके हाथ में पैसे होंगे तभी आप खर्च करेंगे, लेकिन अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप खर्च नहीं कर पाएंगे। इससे क्या होगा कि जो दुकानदार है या जो प्रोड्यूसर है या जो सेलर है, उसे क्या होगा, उसे नुकसान पहुँच सकता है, क्योंकि उसकी जो सामान है वो उसकी बिक्री नहीं हो पाएगी। तो अगर उसके सामान की बिक्री नहीं होगी तो मार्केट में जो वस्तुओं का जो सप्लाई है वो कम होने लगेगा, जिससे बाज़ार जो है वो धीमा पड़ने लगेगा, यानी कि इससे इकोनॉमिक क्राइसिस हो सकता है। इसलिए गवर्नमेंट चाहती है कि सभी लोगों के पास पैसे पहुँचें और वे लोग उस पैसों को खर्च करें ताकि इकोनॉमी को अच्छे तरीके से चला सकें। जो हेलीकॉप्टर मनी टर्म है वो कहाँ से आया? सबसे पहले 1969 में मिल्टन फ्रीडमैन नाम के एक व्यक्ति ने अपनी एक पुस्तक द ऑप्टिमम क्वांटिटी ऑफ मनी में इस हेलीकॉप्टर मनी का जिक्र किया था। उन्होंने इस टर्म को बताया था कि हेलीकॉप्टर मनी लाने से इकोनॉमिक क्राइसिस से बचा जा सकता है, यानी कि जो रिसेशन होता है मार्केट में, इकोनॉमी में, उससे हम लोग बच सकते हैं। सबसे पहले जो हेलीकॉप्टर मनी का जो टर्म है, कॉन्सेप्ट है, वो किसने दिया था? मिल्टन फ्रीडमैन ने दिया था। इसके बाद फिर आगे चलकर 2002 में बेन बेरनके नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने इसको और अच्छी तरह से समझाया, इसके बारे में और अच्छी तरह से हमें बताया कि हेलीकॉप्टर मनी क्यों ज़रूरी है हमारे लिए। अब आपके दिमाग में ये सवाल उठ रहा होगा, क्या हेलीकॉप्टर मनी का कोई नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि हमने देखा कि हेलीकॉप्टर मनी लाने से लोगों के पास पैसे पहुंच रहे हैं और वो पैसे वो मार्केट में लगा रहे हैं, खर्च कर रहे हैं। तो क्या हेलीकॉप्टर मनी से नुकसान हो सकता है? तो आइए देखते हैं। हेलीकॉप्टर मनी का जो कॉन्सेप्ट है, इसके बहुत सारे नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं, जैसे कि हाइपर इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? हाइपर इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में, यानी कि जो गुड्स और सर्विस है उनकी कीमतों में तेज़ी से उछाल आ जाती है मार्केट में। ऐसा तभी हो पाएगा जब बैंक बड़ी मात्रा में नोट छापने लगेगी, यानी
तब लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसे आने लगेंगे और वे लोग ज़्यादा वस्तुएं खरीदेंगे, जिससे वस्तुओं की डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो हम लोग जानते हैं कि अगर मार्केट में किसी भी चीज़ का जो डिमांड है, अगर वो बढ़ जाता है तो क्या होता है कि उसकी कीमत में भी बढ़ोतरी होने लगती है। यानी कि अगर किसी दुकान में, मान लीजिए किसी दुकान में कोई स्वेटर है और वो एक ही स्वेटर है, लेकिन उसको लेने वाले बहुत लोग हैं, तो वो दुकानदार क्या करेगा, उस स्वेटर की कीमत को बढ़ा देगा। तो ऐसा ही मार्केट में होता है, यानी ऐसा ही इकोनॉमी में होता है कि अगर वस्तुओं की डिमांड बढ़ जाएगी तो क्या होगा, वस्तुओं की कीमत में भी उछाल आने लगेगा। यानी इसी को बोलते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। यानी कि जब मांग बढ़ती है तब उसका प्राइस बढ़ता है, जो कि उपभोक्ता के लिए अच्छी बात नहीं है, लेकिन प्रोड्यूसर इससे अच्छा पैसा कमा लेता है। दूसरा जो सबसे बड़ा कॉन्सिक्वेंस है वो है डिप्रिसिएशन ऑफ रुपी, यानी कि रुपया का डिवेल्युएशन, यानी कि जो रुपया है उसकी वैल्यू गिर जाना। ये कब होता है, जब मार्केट में नोट बहुत ही ज़्यादा आने लगते हैं, यानी कि जब बैंक नोट बहुत ही बड़ी मात्रा में छापने लगेगी, तो जो उस कंट्री का जो करेंसी है उसकी जो वैल्यू है वो गिरने लगेगी। इसका एक एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं जिम्बाब्वे का। जिम्बाब्वे में भी बड़ी मात्रा में नोट छापे गए थे और उसे लोगों में बांट दिया गया था, जिससे वहाँ की जो करेंसी है उसकी वैल्यू बहुत ही नीचे आ गई थी। तो ये बहुत ही बड़ा कॉन्सिक्वेंस है हेलीकॉप्टर मनी का। तीसरा जो कॉन्सिक्वेंस है वो है पीपुल मे कीप दिस मनी इन देयर सेविंग अकाउंट्स। यानी कि जो लोग हैं, अगर उनके पास पैसे आ जाते हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि वो पैसे खर्च ही ना करें, क्योंकि अभी जो कोविड-19 से जो अभी रिसेशन चल रहा है, तो लोगों के हाथ में पैसे नहीं हैं। यानी कि अगर वो लोगों के पास पैसे पहुंचेंगे तो वो उसको क्या करेंगे, खर्च नहीं करेंगे। ऐसा वो लोग कर सकते हैं कि वो खर्च ना करें और उस पैसे को अपने सेविंग अकाउंट में डाल दें, तो इससे मार्केट में गुड्स की डिमांड नहीं बढ़ पाएगी। यानी कि लोग खर्च ही नहीं करेंगे तो गुड्स की डिमांड नहीं बढ़ पाएगी, जिससे इकोनॉमिक क्राइसिस का बड़ा कारण हो सकता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कॉन्सिक्वेंस है। सो आई होप आपको हेलीकॉप्टर मनी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि क्या हेलीकॉप्टर मनी लाने की ज़रूरत है या नहीं। और इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल आई स्टडी को। थैंक यू।